और फिर वो गुगोन के बिना ही अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती, उसका ध्यान सिर्फ काम के ऊपर होता है। वो ऑफिस में काम करती है और उसके बाद घर आती है और उसका डेली का रूटीन यही होता है। फिर दो ही एक प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए जाती है सियोकमिन के केस को लेकर, और देखती है कि तो प्रोसिक्यूटर चोई होता है जिसके साथ दो ही स्टार्टिंग में डेट पर आने वाली थी। और प्रोसिक्यूटर उसे देखकर कहता है कि काफी टाइम बाद तुमसे मिलना हुआ। तो दो ही कहते हैं कि हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि आप मेरे प्रोसिक्यूटर हो। फिर प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि सियोकमिन को जंप किए हुए एक हफ्ता हो चुका है लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। दो ही कहती है कि क्या उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ये केस बंद हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैडम जो के डेथ के केस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि सियोकमिन ने अच्छे से कन्फेस नहीं किया कि क्या उसी ने मैडम जो को मारा है। मैं चाहती हूँ कि सभी के सामने सच्चाई आए। प्रोसिक्यूटर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही वो दो ही को कहता है कि इतने टाइम बाद मिलना हुआ तो एक सेल्फी तो बनती है। दो ही सेल्फी लेते हुए काफी हिचकिचा रही होती है लेकिन फिर भी वो उसके साथ सेल्फी ले लेती है। फिर हम मिस्टर पाक को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठकर गुगोन को याद कर रहा होता है। साथ ही में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गुगोन ने अपनी पोजीशन मिस्टर पाक को दे दी थी और कहता है कि अभी सनवॉल फाउंडेशन को तुम ही संभालने वाले हो। पाक कहता है, क्या तुम कहीं पर जा रहे हो? गुगोन कहता है कि हाँ, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर पाक पूछता है कि तुम वापस कब आओगे? गुगोन कहता है, जब तक दोही की मेरे बिना हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रेजेंट में वाइल्ड डॉग्स गुगोन को देखने के लिए ऑफिस जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि गुगोन तो वहाँ पर है ही नहीं। वो मिस्टर पाक को कहते हैं कि हमारा बॉस कहाँ पर है, हमें उन्हें बताना है कि हमने एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया है। लेकिन वो वहाँ से बाहर गुगोन को याद करके रोते हुए आते हैं क्योंकि पार्क ने उन्हें बता दिया होता है कि तुम्हारा बॉस सबको छोड़कर जा चुका है। वहीं हम सुवान को देखते हैं, वो भी काफी सैड होती है सियोकमिन को लेकर और साथ ही सोच रही होती है कि आखिर सियोकमिन अपनी मॉम को कैसे मार सकता है। फिर हम दोई को ऑफिस में देखते हैं। शिन कहते हैं कि लंच का टाइम हो गया। दोई कहते हैं कि तुम कर लो, मुझे भूख नहीं है। तो शिन वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी दोई के पास सियोकुन आता है। दोई कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सियोकुन कहता है, मुझे पता ही था कि तुम अपना लंच स्किप कर दोगी, तो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। फिर वो दोनों खाने के लिए बैठते हैं। सियोकुन कहता है, क्या तुम सच में MOU कंपनी के साथ साइन करने वाली हो? दोई कहते हैं कि हाँ। सियोकुन कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि अब तुम्हारी कंपनी की ब्रांचेस अमेरिका में भी खुलने वाली है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या गुगोन सच में जा चुका है? तो दोई कहते हैं कि हाँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और हमने डील की थी कि जब तक कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता तब तक हम साथ रहेंगे, और वैसे भी अब तो उसका टैटू उसे वापस मिल गया था। तो हमारी डील खत्म हो गई और वो वापस चला गया। लेकिन सियोकुन को कहीं ना कहीं पता होता है कि दोई बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं हम मिस्टर पाक को देखते हैं जो कि शिन के लिए लंच लेकर आया हुआ होता है, और शिन उसे कह रही होती है कि फिलहाल लंच की जरूरत मुझे नहीं है बल्कि दोई को है। तो मिस्टर पाक कहता है कि तुम्हें दोई का अच्छे से ख्याल रखना है जब तक गुगोन वापस नहीं आ जाता। और तभी वहाँ पर उनकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर शिन और वो सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन जब ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर शिन तो अकेली होती है और कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर अकेली खाना खा रही हो? फिर हम किम सेरा को देखते हैं जो कि सियोकमिन की न्यूज़ सुन रही होती है कि अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। और यह सुनकर किम सेरा काफ़ी डरी हुई भी होती है और सोच रही होती है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है लेकिन हमें उसका फेस रिवील नहीं किया जाता, लेकिन हो सकता है कि शायद वो सियोकमिन ही हो। फिर हम दोई को ऑफिस में देखते हैं जो कि गुगोन के साथ बिताए हुए अपने मोमेंट्स को याद कर रही होती है और काफ़ी सैड हो जाती है। उसके बाद वो घर जाती है और थक हार कर सोफे पर ही सो जाती है। और उसके सोने के बाद वहाँ पर गुगोन आता है और काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देख रहा होता है और साथ ही उसे सहला रहा होता है। और जब दोई उठती है तो वो देखते हैं कि वो बेड पर होती है और उसे लगता है कि शायद गुगोन वापस आ गया, तो वो चेक करने के लिए बाहर जाती है लेकिन उसे वहाँ पर गुगोन नहीं दिखाई देता। उसके बाद दो ही अमेरिकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और सभी उसके लिए काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद दो ही अपनी अचीवमेंट के लिए अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ सेलिब्रेट करती है और एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब तो अमेरिका में हमारा आना जाना भी होता रहेगा। और जब वो बाहर आते हैं तो सभी नशे की हालत में होते हैं और दो ही ने भी काफ़ी ड्रिंक की हुई होती है। शिन कहती है कि क्या आप श्योर हो कि आप अपने आप घर चले जाओगे? दो ही कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर दो ही टैक्सी लेकर घर जाती है और अपने अपार्टमेंट के बाहर देखती है कि लाइट्स ऑफ होती हैं और वो फिंगर क्लिक करके उन्हें ऑन करने की कोशिश करती है। और नशे की हालत में कह रही होती है कि क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से चेंज करवा दूंगी। और तभी बोलते बोलते वो नीचे गिर भी जाती है जिसकी वजह से उसके घुटने में ब्लीडिंग भी होने लगती है। फिर वो खुद को कहती है कि दो ही इतनी सी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, और वो खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो लाइट्स ऑन हो जाती है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर अंदर जाकर सोफे पर सो जाती है और खुद को ही कहती है कि दो ही तुम तो हमेशा से ही अकेली हो, तो तुम सब कुछ हैंडल कर सकती हो। अब सब कुछ पहले की तरह हो चुका है, मुझे हमेशा अकेला ही रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर दोई को देखने के लिए गुगोन आता है और वो उसके घुटने की चोट देखता है। फिर वो उसे उठाकर बेड पर लेटाता है और खुद भी कुछ टाइम के लिए उसी के साथ लेट जाता है, और वो उसी इस हालत में देखकर काफ़ी सैड होता है। फिर सुबह होती है, दोई उठती है और देखती है कि उसके घुटने की चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है जो कि गुगोन ने की थी। फिर वो सोचती है, लेकिन कल तुझे घुटने पर चोट लगी थी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर वो अवॉइड करती है कि शायद नशे की हालत में उसे पता नहीं चला होगा। फिर वो शिन को बताती है कि मुझे लगता है कि गुगोन मुझे देख रहा है। शिन कहती है कि ब्रेकअप के बाद सभी को ऐसा ही लगता है कि उनके चाहने वाला उनके आसपास ही है। दोई कहती है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है।
फिर हम दो एक ऑफिस में देखते हैं जो कि देर रात तक काम कर रही होती है। उसके पास शीन आती है और कहती है कि अब आपको घर चले जाना चाहिए। दोही कहती है कि मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। शीन कहती है कि जब मेरा डिवोर्स हुआ था मैं भी पूरी तरह से टूट गई थी और दिन रात सिर्फ काम के बारे में सोचती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। हम हमेशा स्ट्रांग नहीं बने रह सकते, हमें अपने इमोशंस को बाहर आने देना चाहिए। ये बोलकर शीन वहाँ से चली जाती है। फिर दोही के पास योगुन का कॉल आता है और कहता है क्या तुमने डिनर फिर से स्किप कर दिया है। दोही कहती है तुमसे किसने कहा, मैं इस टाइम घर पर हूँ और डिनर करके बस सोने वाली हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि योगुन उसके ऑफिस के बाहर ही होता है और दोही को कहता है कि ठीक है अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं शीन बाहर देखते हैं कि पार्क उसका वेट कर रहा होता है। शीन कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों वेट कर रहे हो, यहाँ पर इतनी ठंड है। पार्क कहता है तुम्हारा वेट करते हुए मुझे ठंड नहीं लगती। ये सुनकर शीन काफी इमोशनल हो जाती है और पार्क को कहती है कि मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाना। पार्क कहता है कि हाँ बिल्कुल कभी भी नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम दोही को गाड़ी में देखते हैं, वो काफी सैड होती है। तभी वो म्यूजिक ऑन करती है और उसे वही म्यूजिक याद आ जाता है जिस पर वो गुगोन के साथ डांस कर रही थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। फिर वो सनवॉल फाउंडेशन जाती है और वहाँ पर डीमन बुक देखते हैं और उसमें उसे एक पिक मिलती है जो कि उसके और गुगोन की होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उस पिक के साथ जोर जोर से रोने लगती है। और तभी वहाँ पर पार्क आता है। पार्क उसे कहता है कि इस टाइम यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। तो दो ही रोते हुए गुगोन को कहती है मुझे गुगोन की बहुत याद आ रही थी, मुझे नहीं पता कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं, ना मैं उसे सॉरी कह पाई हूँ और ना ही थैंक यू, और वो मेरी वजह से ही मुझे छोड़कर चला गया, सारी गलती मेरी ही है। फिर पार्क उसे वो लॉकेट देता है जो कि गुगोन ने दोही को दिया था और कहता है कि जब भी आपको उसकी याद आएगी तो शायद ये लॉकेट आपकी हेल्प कर सकता है। और फिर दो ही घर जाकर उस लॉकेट को डालकर सो जाती है और तभी उसे सपने में अपनी पूरी पास्ट लाइफ याद आ जाती है कि वो पास्ट लाइफ में गुगोन से प्यार किया करती थी, किस तरह से वो दोनों मिला करते थे और उनकी किस तरह से डेथ हो गई। जब दो ही उठती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है कि बोल सिम कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और मेरे लिए ही गुगोन ने इतने सारे लोगों को मार डाला था। फिर वो सोचती है कि गुगोन मुझे उसी जगह पर मिल सकता है जहाँ पर हमने प्रॉमिस किया था। तो वो गुगोन से मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसकी गाड़ी में पहले से ही स्टॉकमैन होता है जो कि दोही को बेहोश करके एक जगह पर ले आता है और उसने उसके हाथ पर बांधे होते हैं। स्टॉकमैन के फेस की एक साइड पूरी तरह से जली हुई होती है और वो दोही को कहता है तुम्हें मेरा न्यू लुक कैसा लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जब स्टॉकमैन ऊपर से नीचे गिरा था तो वो बच जाता है और उसके बाद वो अपने फेस को जला लेता है ताकि गुगोन उसे ढूंढ ना पाए। और वो दोही को बता रहा होता है कि मैंने अपने फेस को खुद ही जला डाला ताकि वो डीमन मुझे ढूंढ ना पाए। दोही कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। स्टॉकमैन कहता है तुमने मुझसे मेरी रेपुटेशन छीन ली, मेरी फैमिली छीन ली, सब कुछ छीन लिया, और अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि गुगोन को भी मार डालूंगा। तो तुम यहाँ पर गुगोन को बुलाओ, तुम्हारे कहने पर ही गुगोन यहाँ पर आएगा। और वो एक चाकू निकाल कर दोही की टांग पर मार देता है। उसके बाद वो उसका गला काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गुगोन आ जाता है जो कि उसे उठाकर दूर फेंकता है। और गुगोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, बिल्कुल डीमन रूप में होता है, और वो स्टॉकमैन को 3-4 बार उठाकर दूर फेंकता है और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरा देता है। ये देखकर दोही उसे कहती है कि प्लीज गुगोन रुक जाओ, अगर तुमने उसे मार डाला तो तुम यहाँ से गायब हो जाओगे। लेकिन गुगोन तो सुन ही नहीं रहा होता है। तो दोही जैसे कैसे अपनी पांव की रस्सी खोलकर गुगोन के पास जाती है, उसे हक करती है और कहती है देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज रुक जाओ, इसे मत मारो। तो दोही की हक की वजह से गुगोन थोड़ा शांत हो जाता है और उस पत्थर को स्टॉकमैन के ऊपर से हटा देता है। और गुगोन दोही को कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दोही कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो दोही को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। दोही कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्टॉकमैन गन उठाकर उनकी तरफ आता है। दोही उसे नोटिस कर लेती है, स्टॉकमैन गुगोन के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन दोही गुगोन के सामने आ जाती है और वो गोली दोही को लग जाती है। उसके बाद स्टॉकमैन गुगोन को भी शूट करने वाला होता है, लेकिन गुगोन उसे दूर उठाकर फेंक देता है। और दोही को इस हालत में देखकर गुगोन जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम ऐसे नहीं मर सकती। और गुगोन भगवान को कहता है कि भगवान मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे दोही को ठीक करना है। और फिर वो दोही को किस करता है और उस किस के बाद दोही बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोही कहती है क्या तुमने मुझे बचाया है। गुगोन कहता है मैंने तुम्हें नहीं बचाया बल्कि मैंने अपने आप को बचाया है। और अगर डीमन किसी इंसान को जिंदा कर देता है तो ये रूल के अगेंस्ट होता है और उसके बाद डीमन मर जाता है, और इसी वजह से गुगोन की बॉडी जलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर दोही बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और गुगोन को कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं ही बोल सिंह थी और तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डीमन हो या फिर कुछ और, मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। लेकिन गुगोन तो पूरी तरह से जल जाता है और उसकी फिंगर की रिंग नीचे गिर जाती है। और गुगोन के मरने की न्यूज सुनकर गायंग और मिस्टर पार्क पूरी तरह से टूट जाते हैं और उनके तांसू ही नहीं रुक रहे होते हैं। और सनवॉल फाउंडेशन में जितनी भी क्रोक होती है सबका टाइम रुक जाता है। और वहीं सुकने भी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और कह रही होती है मतलब कि तुमने खुद के बजाय दोही को चूज किया है। और दोही तो पूरी तरह से शॉक में चली जाती है और गुगोन की रिंग उसने अपने हाथ में रखी होती है और उसे देखकर स्योकुन भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्योकमिन को जेल हो जाती है। फिर हम दोही को घर पर बाथटब में देखते हैं जो कि गुगोन के बारे में सोच रही होती है। और वहीं बाहर से शीन और स्योकुन उसके घर का दरवाजा खटखटा रही होती है, लेकिन वो नहीं खोल रही होती है।
तो वो घर का लॉक तोड़कर अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि दोही पूरी तरह से भीगी हुई होती है। तो शोकुन उसे ब्लैंकेट देता है और कहता है तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। दोही कहती है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे बचाते हुए ही गुबोन मर गया, अगर वो मुझसे मिलता ही नहीं ये सब कुछ होता ही नहीं, तो सब कुछ मेरी गलती है। शोकुन कहता है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत करो, और अगर तुमने भी अपनी हालत इसी तरह से बनाई रखी तो तुम भी ज्यादा टाइम तक नहीं जियोगी। दोही कहती है कि नहीं मैं मर नहीं सकती, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मैं इसी नरक में रहकर जीना चाहती हूँ। फिर वो दोही को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और दोही को इस कंडीशन में देखकर शोकुन भी खुद को संभाल नहीं पाता और वो रोने लगता है। तो शिन उसे बताती है कि मैं दोही को दूसरी बार इस कंडीशन में देख रही हूँ, पहली बार जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी वो बिल्कुल ही शांत हो गई थी और अब गुबोन के मरने के बाद वो ऐसी हो गई है। वहीं दोही को अपने रूम से क्रिसमस सॉन्ग सुनाई देने लगता है, तो वो बाहर आकर देखती है और देखती है कि वहाँ पर क्रिसमस की तैयारी चली होती है। और फिर वो घर जाकर अपना फेवरेट टॉप पहनकर गुबोन से बात करने के लिए उसी समुद्र में जाती है जहाँ पर स्टार्टिंग में वो दोनों गिरे थे, और गुबोन को कहती है मैरी क्रिसमस, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस साल का क्रिसमस हम साथ में नहीं बिताएंगे, लेकिन मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। और वहीं सुकने भी दोही की बातें सुन रही होती है और वो अपने पावर का यूज करती है और सनवॉल फाउंडेशन में जितनी भी क्लॉक होती है सबका टाइम चलना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं समुद्र में एक ब्यूटीफुल लेयर बनती है जो कि दोही के चारों तरफ आती है और दोही को अपने सामने गुबोन दिखाई देता है। ये देखकर वो भागती है गुबोन को हग करती है और कहती है क्या तुम सच में गुबोन हो, क्या मैं मर चुकी हूँ या फिर कोई सपना देख रही हूँ। गुबोन कहता है ना तुम सपना देख रही हो और ना ही तुम मरी हो, मैं वापस आ चुका हूँ। ये सुनकर दोही बहुत खुश होती है और रोते हुए गुबोन को कहती है कि प्लीज अब मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। फिर वो दोनों घर जाते हैं और साथ में सोने के लिए लेटते हैं। दोही उसे कहती है तुम्हारे बिना ये दुनिया मेरे लिए एक नरक बन गई थी और मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। गुबोन कहता है सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है, तुम्हारे बिना ये दुनिया मेरे लिए नरक ही है। और फिर वो अपने हाथ से रिंग निकालकर गुबोन के हाथ में पहना देती है और कहती है अब इस रिंग को संभालने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। और फिर वो दोनों साथ में सो जाते हैं।